पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा सी जी आई डी वाई चंद्रचूर के आवास पर गणेश पूजा के लिए जाने पर विपक्षी नेताओं की आलोचना पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा है कि विपक्ष के नेता कल पी मोदी द्वारा सी जी आई चंद्रचूर के आवास पर गये गणेश पूजा पर राजनीति कर रहे हैं चाहिए क्या लोकतंत्र के विभिन्न स्तंभ एक दूसरे ऐसी नहीं मिलते हैं प्रधानमंत्री की सी जी आई ऐसी मुलाकात आरोप आपत्ति है लेकिन जब राहुल गांधी चीनी प्रधानमंत्री इलहान उमर जॉर्ज जो सोरोस से मिलते हैं और एमओयू पर हस्ताक्षर करते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है उन्हें गणेश पूजा से दिक्कत है लेकिन लेकिन क्या पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इफ्तार पार्टियों में शामिल नहीं हुए मुझे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है कुछ नेताओं ने कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आवास गृह में उनके इनविटेशन पर गणपति जी की उपासना की उनकी आरती हुई उसको लेकर भी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं नहीं आप क्या चाहते हैं आप क्या चाहते हैं कैन नॉट पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी मीट कैन नॉट दे कन्वर्ज शुड नॉट दे बी फ्रेंड्स शुड दे बी एनिमीज शुड दे नॉट बी टॉकिंग टू इच अदर शुड दे नॉट एक्सटेंड ए हैंडशेक शुड द नॉट हैव एक्सटेंडेड टूवर्ड्स इच अदर क्या आप सोचते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और भारत के प्रधानमंत्री कैसा व्यवहार दोनों का एक दूसरे के प्रति होना चाहिए क्या एक दूसरे को देख के मुस्कुराना नहीं चाहिए क्या एक दूसरे के प्रति सद्भाव नहीं होना चाहिए दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी तभी तो हम दूसरे राष्ट्रों से अच्छे हैं जिन राष्ट्रों में डेमोक्रेसी और लोकतंत्र नहीं है उनमें किस प्रकार का व्यवहार जुडिशरी के साथ किया जाता है और हमारे देश में काम करते समय अलग व्यवहार और काम से इलहैदा उससे अलग हटकर अलग व्यवहार यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती होती है मुझे आश्चर्य होता है इस बात से कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से अगर देश के प्रधानमंत्री मिलते हैं उस पर आप आपत्ति करते हैं और वहां अमेरिका जाके इल्हान उमर से मिलते हैं उस पर आपत्ति नहीं है जो पीओके के साथ खड़ा है जो देश को बेचना चाहता है जो हिंदुस्तान के विपरीत बुद्धि रखती है उसके साथ मिलने से कोई आपत्ति नहीं है चीन के राष्ट्राध्यक्ष प्रीमियर से मिलते हैं सी जिनपिंग जी के साथ गुफ्तगु करते हैं और एमओयू चोरी चोरी चुपके चुपके देश को बेचने का करते हैं उससे आपको आपत्ति नहीं है जॉर्ज सोरोस से रात के अंधेरे में मिलकर भारत को टुकड़े टुकड़े में बांटने की कोशिश करते हैं उससे आपको आपत्ति नहीं है और देश के चुने हुए प्रधानमंत्री देश के चुने हुए राष्ट्रपति चुने हुए इनडायरेक्टली और अगर सीजेआई इन लोगों के बीच में इंट्रैक्शन होता है तो आपको उससे आपत्ति होती है यह कैसे आपत्ति हो सकती है मुझे बहुत आश्चर्य लगता है और मुझे लगता है कि मुझे आईना दिखाना चाहिए मुझे ऐसा भी समझ है कि शायद यह आपत्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री के मिलने से नहीं है यह आपत्ति गणपति पूजा से है और स्वाभाविक है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया महाराष्ट्र से आते हैं गणपति जी की उन्होंने उपासना रखी उन्होंने बहुतों को बुलाया होगा और सभी गए होंगे मगर जिस प्रकार से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह बतौर प्रधानमंत्री इफ्तार की पार्टी रखते थे क्या उसमें चीफ जस्टिस नहीं आते थे जब इफ्तार पार्टी में चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री मिल सकते हैं और बैठ सकते हैं गुफ्तगु कर सकते हैं दे कैन ब्रेक ब्रेड्स टूगेदर उस समय जब एक टेबल पर बैठ के दोनों की बात हो सकती है वह भी एक त्योहार है यह भी एक त्योहार है दोनों त्योहारों के बीच ये पार्थक्यता क्यों है और आज जैसे मैंने बेवकूफी शब्द का इस्तेमाल किया वैसे ही मैं कहूंगा देर देर आर समी सोल्ड आउट सो कॉल्ड सेक्यूलर हु ऑब्जेक्ट टू सच काइंड ऑफ कर्टसी विजिट्स But the maturity of this great democracy is tall enough to bypass these kind of immature talks, these kind of, I would say, childish talks that is taking place right now in Indian polity. Thank you, the sir. The arrogance of being the leader of opposition. The leader of leader of opposition is not only in parliament. Ke उनकी बेवकूफी अमेरिका में भी झलकी है और मुझे माफ करिएगा मैं बेवकूफी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं इसलिए बेवकूफी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि मैं ही नहीं करोड़ों हिंदुस्तानी जिस प्रकार की छवि हिंदुस्तान का दिखाया गया है अमेरिका में हम उससे आहत हैं ये राष्ट्रद्रोह का काम राहुल गांधी ने अमेरिका में किया है जब जाति से जाति को भिड़वाने का काम दूसरे राष्ट्र में किया जाता है धर्म से धर्म को भिड़वाने का काम दूसरे राष्ट्र में किया जाता है सिखों के ऊपर इस प्रकार की तलख टिप्पणी दूसरे राष्ट्र में की जाती है तो यह देश द्रोह कहलाता है और जब देश द्रोह होता है तो उसके लिए बेवकूफी शब्द का प्रयोग करना उचित हो टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट